बोलू शकतो की पानिपत विदाउट पी एन गाडगिळ इज इन कंप्लायन्स. म्हणजे त्यांचं जर का सपोर्ट नसता तर ही फिल्म ज्या प्रकारे आत्ता दिसते किंवा ज्या प्रकारे आत्ता एक अल्युरिंग वाटते, इन्व्हायटिंग वाटते, ती वाटली नसती. I was very excited to see myself as Parvati Bai. Nuts, the khopa, little details, jo jewelry, flowers. I think wo ek attire pehenne ke baad, the first time when I saw myself in the mirror. This film will be able to explain what Maratha stood for. Maharashtrian jewellery का जो पेशवा era चालू है उस time जो इसका pearl का और यानी बाकी color stones का उसका ज़्यादा उसमें use करने लगे वो. पहले थोड़े gold में ज़्यादा करते थे उसके पहले, लेकिन जब पेशवा का चालू होगा उसको ये बसरा मोती, ये पन्ना, ये rubies उसके ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान था. पण या फिल्मला करताना जेव्हा यांनी टीम जेव्हा हो म्हणाल यांना त्यांनी डिझायनिंग चालू आणि त्या डिझाईन टीमच्या थ्रू जेव्हा वेगवेगळे हार मला बघायला मिळाले तेव्हा मला कळलं की किती किती रिच ट्रेडिशन आहे आपलं महाराष्ट्र. मग ते चाफा माळ असो, बकुळी हार असो, ठुशी असो, असे तुम्हाला अजून बरेच आहेत, पण हे सगळे मला ॲक्च्युली बघायला मिळाले, जवळून बघायला मिळाले. आणि एक अतिशय अभिमान वाटला मला की एवढे वेगवेगळ्या प्रकारचे एवढे म्हणजे पोहा हार मला माहीत नव्हता, पण तो पोह्यावरून पोहा हार आहे हे पहिल्यांदा मला कळलं. जग में लहराया न्यारा ध्वज है हमारा ऊंचा रे. हम वो योद्धा वो निडर हम जो भी दिशा में जाए सारे पथ चरण छुए और पर्वत शीश नवाए रास्ते से हट जाए नदियां हो के हवाए. हम है जिया ले जीतने को हम रण में उतरते हैं. हम सूरज है अंत हमी रातों का करते हैं. दो ज्वेलरीज आर बिजनेस. आवर थॉट इज दैट ज्वेलरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज एन आर्ट. So we looked at jewelry as an art first and business later. Film मध्ये 2500 मला वाटतं वेगवेगळे पीसेस होते जे प्रत्येक कॅरेक्टर साठी त्यांनी एक कॅरेक्टरायझेशन मनात ठेवून त्यांनी डिझाईन केले. त्या प्रकारे आम्ही सदाशिवराव भाऊ, पार्वतीबाई, बाकीचे जितके कॅरेक्टर्स आहेत त्यांना काही ना काहीतरी आम्ही सजवत. युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे. एक और बात है वो जेंट्स लोग भी ज़्यादा पहनते थे ज्वेलरी, यानी मराठियन जेंट्स ज़्यादा यानी दिखाई नहीं देते थे, लेकिन पेशवा के वो एरा में जेंट ज्वेलरी बहुत अच्छा ये चालू था. सो आई थिंक वी वर मेकिंग ज्वेलरी पीसेस टिल द लास्ट डे ऑफ द शूट. Happy with this pagdi, I'm happy with the outfit. I'm just worried about the hair and the mustache and the beard. बऱ्याच गोष्टी ज्या आपल्या महाराष्ट्रीयन ज्वेलरीमधल्या ज्या ट्रेडिशनल ज्वेलरीमध्ये आहेत त्याची मला नावंही माहीत नव्हती. ती मला जेव्हा डिझाईन टीमने सगळी आणून दाखवली वेगवेगळ्या प्रकारची डिझाईन्स, मला आधी फरक पण कळत नव्हता, पण जेव्हा ते सांगत गेले की हा पोहा हार आहे, हे चिंचपेटी आहे, याला ठुशी म्हणतात, याला लक्ष्मी हार, फटाक्यांची नावं पण आपण जास्त लक्षात ठेवतो. मी प्रेमात पडतो ज्वेलरीच्या पी एन जी या टीमच्या डिझाईन टीमच्या की ज्या डिटेलने आणि ज्या प्रेमाने त्याने बनवलं सगळं. आणि असं नाही की फक्त सदाशिवराव भाऊ आणि पार्वतीवरच ते आपल्याला करायचं, ते मल्हारराव होळकर पण आहेत, जनकोजी शिंदे आहेत, महाजी शिंदे आहेत, गोविंदपण बुंदेले आहेत, शुजाव तलाब, म्हणजे जितकी कॅरेक्टर्स आहेत
सगळ्यांचं त्यांनी एक लुक, नीता लुल्ला आमची कॉस्ट्युम डिझायनर आहे तिच्याबरोबर बसून त्यांनी एक खूप डिटेलमध्ये त्यांनी क्रिएट केला आणि तो फिल्ममध्ये आहे. त्यामुळे फिल्म आता जर का तुम्हाला ट्रेलर का आवडत असेल आणि अद्भुत वाटत असेल किंवा असं वाटत असेल की बघावं, त्यात पीएनजीचा खूप मोठा हात आहे. पुन्हा अभ्यास होणे के कारण उसके लिए हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड थे और हमें बड़ी उत्सुकता थी कि हम लोग ये करना ही चाहिए किसी भी हालत में. This is my attire I'm wearing right now. This nice. I'm loving this thing here. इस ड्रेस को पहनते ही ना लाइक 60% ऑफ द कैरेक्टर मेरे अंदर आ चुका है. 40% विल रीड द स्क्रिप्ट, विल सेट, विल डू द रिहर्सल और उसके बाद आएंगे. सो अकॉर्डिंगली वील हैव टू डिज़ाइन आवर ज्वेलरी कि राजा पहनेंगे तो कैसी वाली ज्वेलरी पहनेंगे, फिर अगर रानी रहेगी कैसे पहनेगी, जो बाकी लोगों के वो कैसे पहनेंगे. अकॉर्डिंगली वी हैव रिसर्च थ्रू इट. उसके बाद जो फर्स्ट आता है कि वो कैरेक्टर वाइज डिज़ाइन करके जो डायरेक्टर का परसेप्शन है अबाउट द कैरेक्टर वो मैच करेंगे, दैट इज़ द फर्स्ट विच वी यूजुअली डू. सो पी एन गडगिल सन्स का जो बेसिक हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा जो क्वालिटी है वो यही है कि टू मैच द पर्सनैलिटी ऑफ द कैरेक्टर एंड द ज्वेलरी. और आशुतोष गौरीकर साहब ने जो उनकी पिछली फिल्म थी मोहनजोदड़ो वो भी हमने बना दे दी और उसका जो ज्वेलरी उनको बहुत पसंद है इसलिए वो हमसे अप्रोच हुए. Karigars, the artisans which we have, I think from all over the country they worked for it, right from south of India to Gujarat to Rajasthan to UP and you name it, and plus of course Maharashtra. I think around 200 karigar teams or karigars were working on it at a time. Aur ye lagbhag yani drawing hone kar yani 4 mahine to kam se kam lage uske banane ke liye. अभी अभी 6 जनरेशन है यानी हमारा वो ज्वेलरी बिजनेस अभी इतना सालों से 1832 से ही चालू है. ये उनके साथ हमें भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी ज्वेलरी बनानी है जो कि उस एरा में भी ले जाए और आज की जो लेडी है उनको भी वो पसंद आए, तो वो हिसाब से हम लोगों ने काम शुरू कर दिया था. वो मेरे को शौक ही यानी वो तो ज्वेलरी एक वो तो बिजनेस चालू ही रहता है लेकिन मैं पुराना यानी वो टेक्सटाइल में यानी वो पैठणी जो शेले उसका भी मेरा कलेक्शन अच्छा है यानी पुराना चीज जो बनाते हैं उसका भी मेरा कलेक्शन है उसको मेरे को लगाव है. सपना है सच है कि जादू है या जाने क्या है. डायरेक्टर आशुतोष जी ने हमें कहा कि हमें ऐसे कुछ तलवार बनानी है और वो उस मूवी की और उस पेशवाई की भी बहुत बड़ी बड़ा समय था कि जब वो तलवार देते हैं, तो हम लोगों ने इसके ऊपर भी रिसर्च किया. उसके लिए हमें कम से 6 महीना वो तलवार बनाने में हमारा टाइम गया है. उसमें पूरे जवाहरात लगे हुए हैं, उसमें असली सोना है, उसका जो कवर है उसमें सोने का है और उसमें जो स्टोन्स है अनकट वो सब उसमें रियल अनकट डायमंड्स है. लोग जो समझते हैं कि महाराष्ट्रीयन ज्वेलरी वो येलो गोल्ड का होता है एंड विच इज़ कॉमनली सीन ऑल्सो नाउडेज, बट फॉर दिस मूवी वी वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट बट विच वॉज स्टिल महाराष्ट्र. So that was the challenge. We said we will not use yellow gold. PNG का नहीं, PNG ने अपना का चूज केला हे अति पहिला महत्त्वाचं आहे. पण मी त्याला सिलेक्ट करत नाही, आम्ही नुसतं त्यांना विनवणी करतो की ते हो किंवा नाही म्हणतात, तर या केसमध्ये ते हो म्हणाले. सो ते आमचं खूप मोठं अलभ्य लाभ आहे. तो हम लोगों ने ज्वेलरी बनाते समय हम लोगों ने नॉर्थ की ज्वेलरी का भी रिसर्च किया है और साउथ की ज्वेलरी भी रिसर्च किया है. तो कौन सी अभी जैसे नॉर्थ में कुंदन ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कलर स्टोन ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, उसी तरह उसी स्टोन्स को और कलर स्टोन को हम लोगों ने यूज़ करके ये महाराष्ट्रीयन ज्वेलरी में ज्वेलरी के मोटिव करके कुछ अलग ज्वेलरी बना, मतलब उस इरा में जो ज्वेलरी है उसके हिसाब से ज्वेलरी बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया है.
लगता है था लिखा तू है मेरे लिए और मुझे भी तेरा होना ही था. The brand is was formed in 1832, so we are almost 200 years old kind of thing. So, and that helps us also because as an organization, we have a lot of memory. All our artisans are old. They have been working with us for generations kind of thing. Hi, this is Kritika. I'm playing Radhika Bai in the film. Costumes पहनने के बाद ज्वेलरी पहनने के बाद आई एम रियली रियली एक्साइटेड. जो शूट था पहला का वो पूरे शनिवार वाड़ा के अंदर था, तो उस समय हमें जो ज्वेलरी चाहिए थी वो पूरी ब्राइडल ज्वेलरी हो या फिर पूरी रॉयल ज्वेलरी की जरूरत थी. माझी इच्छा आहे की थिएटरच्या बाहेर लाईन लागोच, पण इथे पण जरा डबल लाईन लागू. मी नेहमी सदाशिवला सांगायचो आणि हिला हिची जी नथ आहे आणि याचा जो बिब्बाळी ही पॉप्युलर होईल असं मला एक सारखं वाटायचं, कारण याला खूप शोभून दिसते ती बिब्बाळी. आणि मी आला ॲक्च्युली विचारलं होतो आय डिंट टेल दॅट यू शुड वेअर द बिब्बाळी बरोबर. तर बिब्बाळी आणि जर का नथ ही जर का पॉप्युलर झाली तर खूप मजा येईल. आणि कुठे तळा अशुतोष गोवारीकर जैसे अच्छे ब्रांड के साथ मिलना हमको भी अच्छा लगता है.